नमस्कार, मैं दीपक, आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। महापौर विवेक नारायण सेजवलकर ने गुरुवार को निगम मुख्यालय सिटी सेंटर पर लोक मंत्रणा कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनकर मौके पर ही उपस्थित विभाग अधिकारियों द्वारा समय सीमा में आमजनों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। महापौर विवेक सेजवलकर ने यहाँ अधिकारियों से पूर्व के आवेदनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली। लोक मंत्रणा के दौरान सड़क, सीवर, पेंशन और आर्थिक सहायता से जुड़कर कई मामले पहुंचे, जहां सभी फरियादियों को महापौर द्वारा मदद का आश्वासन दिया गया। हमारी समस्या ये है कि 2 साल पूर्व में सीवर लाइन और रोड का काम चालू हुआ था, तो अभी जो सुरेश नगर से लेकर गोदाम बस्ती तक तो जो सीवर डल चुकी है और विवेक नगर में भी डल चुकी है, लेकिन ज्वाइंट जो करी है वो गोदाम बस्ती तक ही करी है। विवेक नगर की जो पुलिया है उसको ये तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट भी नहीं करी है लाइन और रोड पे पानी फैलता है सीवर का। तो हमने मेयर साहब से निवेदन करा कि आप हमारी ये पुलिया तोड़ दो और उस लाइन को जोड़ दो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो उसको तोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर लाइन तोड़ देंगे, पुलिया तोड़ देंगे तो रोड बनानी पड़ जाएगी, और रोड बनाने से क्या नाम है, ये लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि बार बार उसको रिटेंडर कर रहे हैं और ठेकेदार ने अपना SDR वापस भी ले लिया है जो जमा पूंजी होती। आश्वासन ये दिया है कि आपका काम हो जाएगा, ये नक्शा बना के भी मेयर साहब काफी देर तक मशक्कत करते रहे दिमागी, और अधिकारियों को भी बुलाया, अधिकारी बोल देते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा और हम इस पर देखेंगे, तो अभी 2 दिन का उन्होंने समय दिया कि आप इसको स्पॉट पे जाके देखो, और हम भी स्वयं भी जाने की बोल रहे हैं कि हम भी आएंगे उसको देखेंगे क्या हो सकता है ताकि काम जल्दी से कम्प्लीट हो। मैं क्षेत्र क्रमांक 4 वार्ड नंबर 11 अजीरे पे सफाई कर्मचारी। मामला यह है कि मैंने कम से कम एक मेरा कुछ पैसा था, उसके बावजूद में मैंने इसको अशोक धवल को मैंने अपनी फाइल और पैसे दिए कि जी मेरा काम करा देगा, लेकिन आज तक मेरे को 1.5 साल से अभी तक काम नहीं हुआ है। वार्ड क्रमांक 61 पड़ता है हम लोगों का। एक तो ये मामला है हमारे पास कि ये 3 विधवा महिलाएं हैं, यानी कि पति गुजर गए, इनके पास BPL राशन कार्ड भी है, जो नियमानुसार जो प्रवास आता है राशि मिलती है शासन द्वारा, इनको आज दिनांक तक नहीं दी गई है, ना इनकी विधवा वृद्धा पेंशन की गई है। कुछ लोग हमारे पास नाथों के पुराखे हैं, इनको अनुदान पत्र तो दिया गया शासन के द्वारा, लेकिन इनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आज दिनांक तक नहीं मिल पाई है। ग्वालियर शहर के स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होने के बाद अब शहर के विकास की कार्य योजना तैयार करने में अधिकारियों द्वारा लगातार मंथन किया जा रहा है। खास बात यह है कि यूरोप के बेल्जियम देश के एक शहर की तर्क पर ग्वालियर को विकसित करने की तैयारी है, जिसके लिए ग्वालियर का एक दल हाल ही में बेल्जियम का दौरा करके आया है। तो गुरुवार को बेल्जियम का एक दल भी ग्वालियर के दौरे के लिए पहुंचा, जहां बाल भवन परिसर में दल में आए लोगों को महापौर और स्मार्ट सिटी CEO द्वारा ग्वालियर में किए जा रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन भी दिखाया। देखिए, एक डेलीगेशन बेल्जियम से एक डेलीगेशन आया हुआ है, बेल्जियम के लूबेन सिटी है, वहाँ से जैसा कि आपको मालूम है कि ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यूरोप का के लूबेन सिटी है जो बेल्जियम का, उससे आपस में एक कोऑर्डिनेशन हुआ था। इससे पहले 2 से 3 महीने पहले एक ग्वालियर नगर निगम का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक डेलीगेशन बेल्जियम के लूबेन सिटी में गया हुआ था, वहाँ पर जाके उनके डेवलपमेंट देखे थे, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या उनके हेरिटेज काम चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर ग्वालियर में एक लूबेन सिटी जो बेल्जियम का एक शहर है, वहाँ से उनके मेयर के साथ एक डेलीगेशन 11 लोगों का आया हुआ है, उनसे उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, उनके यूनिवर्सिटी के हेड्स हैं, उनके वाइस चांसलर वगैरह उसमें इस समय आए हुए हैं। सबसे पहले सुबह के टाइम पर जाके हम लोगों ने उनका स्टेशन पर उनको रिसीव किया, सभापति जी के साथ वेलकम किया। आज के दिन उनका पूरा मिनट्स कार्यक्रम है, उसी के तारतम्य में यहाँ पे ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के तहत कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी एक प्रेजेंटेशन है, इसके बाद लंच, फिर हेरिटेज, उनका एक हेरिटेज के रूप में उनका एक भी है कि ग्वालियर में कौन कौन से हेरिटेज स्थल हैं, उनको और कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी को भी लेकर भी है वहाँ पर, और कैसे अवेयरनेस साइकिल को लेकर अपन बढ़ाएं और वॉक को लेकर कैसे बढ़ाएं, इस तरह के ही हेरिटेज इनके 2 दिन का कार्यक्रम है। हेरिटेज में जैसा कि आपने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अपन ने बाड़े का मेन पॉइंट लिया हुआ है, आज एक तो करते हुए बाड़े के जो मेन पॉइंट है, पहले आज बाड़े पे जाएंगे और टुमारो बाड़े और मोतीमहल, और कल के दिन जो रखा है हमने वो कल फोर्ट पर जाएंगे। ग्वालियर स्मार्ट सिटी परियोजना का काम देखने ग्वालियर पहुंचे बेल्जियम के दल ने यहां गुरुवार को महापौर विवेक नारायण सेजवलकर के साथ साइकिल राइडिंग की और शहर की सड़कों की गुणवत्ता पर की।
महापौर के साथ यहां दल सिटी सेंटर स्थित साइकिल स्टेशन से मोती महल के लिए रवाना हुआ। इस दौरान महापौर सभापति सहित कई MIC सदस्य और बेल्जियम दल के लोग साइकिलिंग करते नजर आए। दरअसल ग्वालियर नगर निगम ने बेल्जियम के दल को आमंत्रित भी किया था। इसके तहत 12 सदस्य बेल्जियम के ल्यूबिन शहर के महापौर के नेतृत्व में एक दल ग्वालियर आया हुआ है। इस दल ने शहर में चल रही विकास योजना स्मार्ट सिटी परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली और यहां के विकास को देखकर उसमें काफी संभावनाएं बताई हैं। इसी के तहत ग्वालियर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पब्लिक बाइक शेयरिंग के तहत संचालित की जा रही साइकिलिंग का भी इस दल ने लुफ्त उठाया। उनके साथ महापौर विवेक सेजवलकर और बेल्जियम के दल ने भी साइकिलिंग की। इस मौके पर स्मार्ट सिटी CEO और MIC के सदस्य भी मौजूद थे। बेल्जियम के मेयर ने कहा है कि ग्वालियर में विकास की अपार संभावना है और बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर साइकिलिंग की जो परंपरा इस योजना के तहत शुरू की गई है वो वाकई लोगों को सेहतमंद बनाने और फिट रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसके लिए ग्वालियर नगर निगम और मेयर को धन्यवाद भी दिया है। यहाँ पर ल्यूबिन सिटी के हमारे मेयर साहब आए हैं बेल्जियम से। एक पूरा दल यहाँ पर ग्वालियर में आया हुआ है। यहाँ से भी हमारे यहाँ से भी एक दल वहाँ पर गया था ल्यूबिन में। कल्चरल एक्सचेंज और जो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोगों ने की है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सभी लगभग सभी क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स का ये दल सारा है। इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर है और ग्वालियर का अवलोकन भी करेंगे, ग्वालियर का स्टडी भी करेंगे और यहाँ पर जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में हमको बताएंगे और उनके की अच्छी बातों को हम भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आज ये जो बाइसिकल शेयरिंग का जो ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो काम प्रारंभ किया है उसका इतने ट्रायल यहाँ पर हो रहा है। बेल्जियम के लोग और हम सब लोग मिलकर के आज ग्वालियर की सड़कों पर साइकिल का एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता इससे निश्चित से मोटिवेट होगी और अधिक से साइकिलें लोग चलाएँ। उद्देश्य हम लोग का